है वेलकम बैक टू न्यू वीडियो पीपल। सो ये व्लॉग हमारी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज अपन ट्रेन करने वाले हैं पुश, और मैं घर पे था फिलहाल, तो आराम से 5-5 बजे उठ जा रहा था और 9 बजे तक ट्रेन करके वापस आ जा रहा था। यहाँ पे अपन रिलैक्स है, थोड़े जिम का कोई सीन नहीं है, जिम 11-12 बजे बंद होती है, तो अपन वापस से 6-6:30 बजे उठ रहे हैं। तो मेरे साथ सीन ये हुआ कि अचानक से कॉलेज वालों ने प्रैक्टिकल की डेट अनाउंस कर दी, तो मुझे जल्दी जल्दी टिकट अगले दिन की करा के और भागना पड़ा यहाँ पे, नहीं तो मेरी प्लान थी घर पे कुछ दिन और रहने की। तो प्रैक्टिकल वगैरह अभी फिलहाल खत्म हो चुके हैं, अभी चलते हैं अपन थोड़ी सी वर्कआउट करते हैं। अभी पी रहे हैं अपन ब्लैक कॉफ़ी, और लखनऊ की सुबह की कुछ बात ही अलग होती है, बहुत अच्छी धूप हुई है। जल्दी चलते हैं, नहीं तो गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, और गुफरान का फ़िलहाल अभी रमज़ान चल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो वर्कआउट करने जाएगा, बट वो वर्कआउट अभी कर रहा है। दिन भर तुम्हें फास्ट करना है, ऊपर से वर्कआउट भी करना है, सो थोड़ा सा टफ हो जाता है, और प्लस थोड़ा कैमरा भी संभालना है, वीडियो कैसे बनेगी तो थोड़ा कैमरा भी संभालना है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता उसे बोलने में कि यार वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेस वर्क हो जाती है, एक्सेस कैलोरीज बर्न होगी। कोशिश करेंगे कम उसे परेशान करने की, फिलहाल चलते हैं वर्कआउट करते हैं। हाँ मुझे पता है टूटी हुई कप में चाय नहीं पीते हैं, बट ये सब फॉर्मूला बैस्टर लाइफ में अप्लाई नहीं होते हैं। ना ना जिम, ये एक लड़के का डेडिकेशन देखिए गाइस, रमजान में फास्टिंग में भी जिम कर रहा है। बाथरूम में प्रतीक भैया गए हैं क्या? तो कल आए हम, कल आते हैं, आधा घंटा सुपर हो गया, कल आते हैं। सुनो हल्दी भी मंगा लो, हल्दी भी कम हो चुका है, और लाल मिर्च पाउडर तो मंगा ही लो। ये हल्दी का पैकेट ऊपर वाले में था, देखिए हल्दी का पैकेट तो हमको नहीं दिख रहा है कहीं। मान लो हल्दी नहीं है, हल्दी मंगा लो, खड़ा गरम मसाला का एक पैकेट कर लो, क्योंकि ये देखो पूरा कम हो गया है। और सुनो नमक, खड़ा गरम मसाला होता है यार, ओह हे भगवान, खड़ा गरम मसाला क्या रहा है, पाउडर होता है। चिकन मसाला भी मंगा लो, चिकन तो खाना नहीं है, अलग बात है, लेकिन सब्जी में डालने में काम आता है अच्छा लगता है। तो ये हमारा शेक जो है रेडी हो चुका है, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे, अभी रेडी नहीं हुआ है, मतलब बनाने वाला है, थोड़ा सा इसमें बॉर्नविटा में डाल रहा हूँ, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है शेक पीने में। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन, इट्स रेडी नाउ। हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन घूमती रहती हैं। एक रिसेंटली मुझसे किसी ने कहा कि भाई अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो तुम सुबह में क्या करो, कुछ खा के मत जाओ, क्योंकि जब तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तुम्हारी कैलरीज ज़्यादा बर्न होगी ही होगी। बट मेरा गोल हमेशा से मसल बिल्डिंग है, अगर मैं अपने वर्कआउट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा तो उससे क्या मतलब है, अगर मैं अपने मसल फाइबर्स को अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरा फैट लॉस करना भी बेकार है। अगर मुझे सही में फैट लॉस करना रहता, अगर मुझे सिर्फ फैट लॉस करना रहा है, मुझे जिम जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं 1-2 महीने घर पर रह के फैट लॉस आराम से कर सकता हूँ डाइट से। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें अच्छे से वर्कआउट अपना परफॉर्म करना है 1.5-2 घंटे और अच्छे खासे वेट से अपने ब्रसल्स को ब्रेक डाउन करनी है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत कैलरीज बॉडी में होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैं खाली पेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर पाता तो मैं ज़रूर बिना खाए या फिर कोई 1-2 केले लेके चला जाता, बट मुझे एक अच्छा मील लेके उसको अच्छे से डाइजेस्ट करके 1-1.5 घंटे के बाद वर्कआउट करना ज़्यादा पसंद है। मेरा गोल है कि मसल को प्रिजर्व करना है या मसल को इंक्रीज करना है और उसके बाद फैट लॉस करना है। तो हर किसी का गोल यही होना चाहिए कि मसल को अच्छे से बिल्ड करें। घर पर भी तुम वर्कआउट कर रहे हो तो मसल्स को ब्रेक डाउन करना सीखो, कैसे मसल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे मसल्स को तुम ब्रेक डाउन कर सकते हो वर्कआउट के थ्रू। तो घर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेजिस्टेंस बैंड ले लो, ईंटें ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम उससे अपने मसल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हो घर पर भी, और एक अच्छा मसल बिल्ड करके फैट लॉस कर सकते हो। तो मसल सिर्फ तुम्हें अच्छे दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारी बीमारी बहुत सारी डिजीज से तुम्हें मसल जो है प्रोटेक्ट करके रखती है। तो मसल्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग लगता है कि मसल्स का मतलब हो गया कि बॉडी बिल्डिंग वाले जो स्टेज पर शो करते हैं मसल्स को, वो नहीं, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छी मसल होना बॉडी में ज़रूरी है। सो आज हम लोग ट्रेन कर रहे हैं पुश डे को, जैसा कि मैंने बताया, तो सबसे पहले हम ट्रेन करेंगे चेस्ट को, जिसमें अपन एक्सरसाइज करने वाले हैं सिर्फ दो, पहले अपन करेंगे बेंच प्रेस को, उसके बाद केबल फ्लाई को, सबसे मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, चलते हैं और वर्कआउट करते हैं। Yeah.
addicted to you. Visions of you. Cold, cold sky. यहाँ की जो रॉड है थोड़ी पतली होती है, घर में जो आप रॉड से ट्रेड करते थे वो थोड़ी मोटी थी, यहाँ की थोड़ी पतली है, थोड़ा वापस से एडजस्ट होने में लगेगा। कैसा लगा यार रमजान में वर्कआउट करके? मजा आ रहा है, शाम को हालत खराब हो जाएगी। मैंने सजेस्ट किया है कि ज़्यादा वर्कआउट ही करो, बस मसल को प्रिजर्व करने की कोशिश में रखो, और साथ में क्या वीडियो भी बनाना है तो एक्सेस कैलोरी बर्न हो रही है। आजकल बहुत ज़्यादा जिम में पसीने आते हैं मुझे, क्योंकि समर स्टार्ट हो चुकी है, तो जब भी हम स्वेट करते हैं हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कि हमें एनर्जी देने का काम करती है। कभी कभी तो इतनी गर्मी लगती है कि चक्कर जैसा आने लगता है। सो इस चीज़ का सोल्यूशन है फास्ट एंड अप का रीलोड, जिसकी एक टैबलेट मैं अपने वर्कआउट के दौरान लेता हूँ, जिससे मुझे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड तो मिलते ही हैं, उसके साथ साथ विटामिन सी एंड विटामिन B12 भी मिल जाते हैं। इसको यूज करने के लिए एक टैबलेट अपने बॉटल में डालो, वो 5 मिनट में खुद मिक्स हो जाएगी, और अपनी वर्कआउट को लॉन्ग लास्टिंग बनाओ बिना किसी डिहाइड्रेशन और बिना किसी रुकावट के। डिस्क्रिप्शन में दी हुई पहले लिंक पे क्लिक करो और मेरा कोड हर्षित FUP10 डालना ना भूलना, जिससे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेंगे। और ये प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता और इफेक्टिव है। मैं फिलहाल 2 फ्लेवर यूज कर रहा हूँ, एक लाइम एंड लेमन एंड दूसरा स्ट्रॉबेरी, जिसमें से मेरी फेवरेट लाइम एंड लेमन है। वर्कआउट करने का जो सबसे मेरी फेवरेट है डैट इज लैटरल रेजेस। उसमें तुमको क्या करना है कि हाई रेप्स मारने हैं कम वेट के साथ। अब कम वेट का मतलब इतना भी नहीं कि एकदम 2.5 किलो से मारने लगो, मीडियम वेट करना है और हाई रेप्स मारने हैं। कम वेट से परफॉर्म करता हूँ ताकि मोमेंटम में कोई प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से अपने साइड लेंथ को टारगेट कर पाऊँ। नहा लेने के बाद ज़्यादा अच्छा फिजिक दिखता है। लोग सही कह रहे हैं, 30 दिन का ही है अब से। तू क्या रहा था? ये क्या लगाएंगे? तो ये लंच रहेगा हमारा आज का, दही और चूड़ा। बहुत तेज हवा चल रही है। सोयाबीन मैंने 50 से 60 ग्राम के आसपास खाया है, और ये अपन ले रहे हैं दही चूड़ा। एक बार पता क्या हुआ था, मिस चूड़ा
कूड़ा को खोजने में मुझे 2 घंटे लगे थे। पूरा मैंने जिधर आस पास के मैंने घर के जितने मार्केट है सारा खोजा। बाद में पता चला यहाँ पे चूड़ा को लोग पोहा कहते हैं, हमारे उधर तो भाई चूड़ा ही कहते हैं बट इधर में पोहा कहते हैं। उसी चक्कर में मुझे 2 घंटे लगे पूरे घूमने में। दुकान वाले कह रहे कि भाई जो तुम खोज रहे हो चूड़ा वो यहाँ मिलता ही नहीं, वो पंजाब में मिलेगा, ये वो बहुत खोजा मैंने नहीं मिला। मैंने मतलब कि भाई पोहा कहते हैं बट वो भी ये वाली नहीं मिलती है यहाँ पे। सो ये अपन घर से लेके आते, कोई भी आता है तो अपन मंगा लेते हैं घर से। दही चूड़ा एक अच्छा ऑप्शन है, काफ होता है चूड़ा में और दही भी है, तुम्हें पता ही है प्रोटीन होता है। सो हेल्दी बनाए रखने के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ मैंने ऐड किया है और 60 ग्राम ऑफ सोया चंक जो कि मैंने ऑलरेडी खा ली है क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी। सुबह वर्कआउट कर लूँ ना तो पूरा टाइम रहता है दिन भर अच्छा खासा पढ़ लेने का और जो भी काम है वो करने का, और एक माइंड में सेट भी हो जाता है कि यार अपने वर्कआउट किए तो आज हेल्दी खाना है, एक भी चीट मील्स नहीं लेने हैं। तो तुम भी अगर कॉलेज वगैरह नहीं जाते हो तो तुम सुबह में ट्रेन करो, या कॉलेज तुम्हारा लेट से है तो तुम सुबह में जा सकते हो ट्रेन करने के लिए। और एक और प्लस पॉइंट है कि तुम्हारा माइंड जो है बहुत ही फोकस रहता है, तो माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा बैठता है क्योंकि फ्रेश रहता है दिमाग, माइंड एकदम रिसेट हुआ रहता है क्योंकि तुम सो के उठे होते हो, ज़्यादा कुछ चीज़ें दिमाग में चलती नहीं है। जब तुम वर्कआउट करोगे ना 1.5 घंटे 2 घंटे बहुत ही इंटेंसिटी से वर्कआउट होती है और फुल फोकस्ड वर्कआउट होती है। तो वर्कआउट सिर्फ कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, माइंड मसल कनेक्शन सेट करके वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीज़ मैंने बहुत टाइम के बाद सीखी और जब सीखी तो मेरे रिजल्ट थोड़े अच्छे आने लगे। तो अभी अपन निकले हैं थोड़ी सी अपने स्टेप्स कंप्लीट करने। जब से मैंने वो आज 100 kg की बेंच प्रेस मारी है तब से मेरी चेस्ट जो है वो पंपी है, अभी तक वो रिलैक्स नहीं हुई है। देखो पूरी चेस्ट जो है मेरी पंप लग रही है। ऐसा कुछ प्लान नहीं था वो, बट हाँ 4 ही रेप्स निकले थे बट वो सपोर्ट में था, थोड़ा बहुत हल्का बहुत सपोर्ट उन्होंने दिया था। मैंने पहले ही कह दिया था कि हल्का सपोर्ट देना, अगर एक लगेगी तब मैं आगे जाऊंगा, तो हल्का सा उन्होंने सपोर्ट दिया था तो लग गई, तो मैंने 4 ले लिया। और 2 लग सकती थी बट मुझे था कि और भी वर्कआउट्स करने, सारा स्ट्रेंथ इसी में चला जाएगा। आज का डिनर अपना देखने में कुछ इस प्रकार है। 2 रोटी है, 50 ग्राम मैंने इसमें सोया चंक्स लिया है और 100 ग्राम पनीर है, आलू की थोड़ी सी भुजिया है और थोड़ा सा राइस है। ये होगी हमारी आज की रात की डिनर। जो रेसिपी अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है बहुत ही सिंपल है बनाना, 10 से 15 मिनट लगते हैं। सिंपली मैंने इसमें देखा आप लोगों ने कि नमक डाला, काली मिर्च डाली और सॉस डाल दिया, फिर सोयाबीन पहले से मैंने बॉइल कर रखा था और पनीर अपना ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा ये हाई प्रोटीन मील बन जाता है क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है तो वेज डाइट पे अपने को रिलाय करना है, तो ऐसी डाइट खाई जाए जिससे कि बोर ना हो जाए। क्योंकि मैं बॉइल करके नमक डाल के सिर्फ खा लेता था सोयाबीन, अब मैं डेली वही खाऊंगा तो खुद ही बोर हो जाऊंगा, हर कोई बोर हो जाएगा, जनरल बात है। सो इसी तरह कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके मैं वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। सोया चिली की मैंने रेसिपी बताई थी, ऊपर होगी आई बटन पे आ रही होगी, उसको तुम देख लेना। ये भी एक अच्छी रेसिपी है, इसको भी जरूर तुम ट्राई करना। इसमें सॉस की वजह से तुम्हें ज़्यादा तेल और या पानी नहीं डालना पड़ता है क्योंकि सॉस की वो जो ग्रेवी होती है वही इसको कुक कर देती है अच्छे से, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैगी मसाला तुम ऐड कर दो, उसको अपन फिनिश करेंगे। और जाते जाते तुम इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं जनरली नहीं कहता हूँ किसी को कि सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, इसलिए क्योंकि जिसको पसंद आती है वीडियो वो करके ही जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, जितनी वीडियोज़ मैं डालता हूँ उसको लाइक करो, अच्छा सा एक कमेंट करो जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियोज़ और बनाऊँ, और अपने एक दो दोस्तों के साथ उसको शेयर जरूर किया करो। सो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, स्टे सेफ।